शाहरुख खान की जवान 400 करोड़ कमाने वाली है ब्रो। ऐसे मतलब कोई भी बोल देता है फिगर्स। चलो इंडिया में फिल्में फिर कमा ले, यहाँ तो ऑडियंस बैठी है देखने के लिए, लेकिन देश के बाहर क्या? कौन सी देसी मूवी ने ओवरसीज सबसे पहले 100 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था? 5 करोड़ के बजट पर बनी विद अ सम टोटल ऑफ 0 सुपरस्टार्स 110 करोड़ कमाकर ये ग्लास सीलिंग चकनाचूर करी थी एक फीमेल फिल्म मेकर ने। नाम मीरा नायर, मूवी 2001 की मॉनसून वेडिंग। 68 मेजर कैरेक्टर्स वाली ये फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन जीतने के बाद बाफ्टा में बेस्ट फॉरेन फिल्म के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, याद है? मॉनसून वेडिंग के फाइनेंशियल एक्लेज की सेलिब्रेशंस कहीं पीछे रह गई, बट नॉट विदाउट द फिल्म लीविंग एन इनडेलिबल मार्क। सेक्सुअल अब्यूजर्स फैमिली में भी हो सकते हैं, कौन सी हिंदी फिल्म दिखा रही थी? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल के बैलेंस को दर्शाती मॉनसून वेडिंग हैज नाउ फाउंड अ होल न्यू ऑडियंस। मीरा ने पूरी नई कास्ट लेकर लाइव म्यूजिकल बनाकर मॉनसून वेडिंग के कई थिएटर रन किए अमेरिका में। मॉनसून वेडिंग फिल्म में से आपका फेवरेट सीन कौन सा, याद है? बताओ कमेंट्स में।